ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल में कौन कौन से आ सकते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन लेवल, एटीट्यूड किसका, और क्या हो सकता है, ठीक है, लॉज एंड रेगुलेशन। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये सारे किसमें आते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है, यानी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल में कौन से आएंगे, ठीक है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, टेक्नोलॉजी में क्या होगा, कैसे अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा स्टाफिंग को टेक्नोलॉजी, अगर जो इम्प्लॉइज है उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंदर है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो अगर उनको अवेयरनेस ही नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो उनको यूज करना नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा प्रोडक्टिविटी को और परफॉर्मेंस को, जिससे क्या होगा, जो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव है इसके ऑर्गेनाइजेशन के वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो गया, इन्फ्लुएंस करेगा किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और क्या होगा, रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है। तो रिवॉर्ड सिस्टम में क्या होता है, या परफॉर्मेंस रिलेशन बोल सकते हो, रिवॉर्ड सिस्टम या परफॉर्मेंस अप्रेज। तो क्या होता है, इंस्टीट्यूट के अंदर जहां हम काम करें, जैसे तुम लोग हो, तुम लोग टेस्ट देते हो, ठीक है, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं, यूनिवर्सिटी टॉप करते हो, तो अगर तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई अप्रेज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हें अप्रेज नहीं करेंगे किस चीज के लिए, तो वो क्या है, हम डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है, हमारा जो इंटरेस्ट है उस चीज में कम होता है, जो क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, हमारी परफॉर्मेंस, ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं, पर्सनल पॉलिसीज, तो पॉलिसीज क्या होती हैं, तो हमारी जो पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब जो हम किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो काम किस लिए करते हैं, ताकि हम उन पॉलिसीज को फॉलो करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, और जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो, ठीक है। अगर हमारी जो पॉलिसीज है वो प्रॉपर इस्टेब्लिश नहीं है, तो वो क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी किसको, परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल इम्प्लॉयज, पर्सनल इम्प्लॉयड। अब ये जो इंस्टीट्यूट के अंदर जो पर्सनल हमने इम्प्लॉयड किए, ठीक है, अगर उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे स्टाफिंग, ठीक है। यानी हमने जो क्या किया है, जिन पर्सन को अपॉइंट किया है, रिक्रूट किया है, ठीक है, तो क्या होगा उससे, अगर वो क्वालिफाइड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो वो अफेक्ट करेगा स्टाफिंग को, ठीक है। आ गया समझ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टाफिंग। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, शिखा बताएगी, चलो शिखा, और
बैठो। तो नेक्स्ट हम करते हैं स्टेप थ्री मोल्डिंग स्टफिंग प्रोसेस। तो कौन कौन से स्टेप है, जैसे हमने कल भी किया था स्टफिंग की डेफिनेशन क्या थी, क्या थी डेफिनेशन, स्टफिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, रिमुनरेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन एंड ट्रांसफर। ठीक है, तो ये सारे वही सेम है स्टेप्स हैं। जैसे मैन पावर, सबसे पहला होता है मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो मैन पावर रिक्वायरमेंट यानी मैन पावर का क्या मतलब है, जो हेल्प पर्सनल है। ठीक है, यह पर्सनल है रिक्वायरमेंट यानी जो वैकेंट सीट्स हैं या वैकेंट पोजीशंस हैं। ठीक है, उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, कितनी रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, यानी हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर हमें कितनी रिक्वायरमेंट है मैन पावर, यानी जो हेल्प पर्सनल है या जो पर्सनल है या जो इम्प्लॉइज है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट, अब हमें पता लग गया कि इतनी सीट हमारे पास वैकेंट है या हमें इतने हेल्थ पर्सनल की रिक्वायरमेंट है। अब हम रिक्रूटमेंट में क्या करेंगे, उन वैकेंट सीट को फिलअप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होता है, सिलेक्शन। अब हमें रिक्रूटमेंट यानी फिलअप करना है, तो हम उसके लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, हम उनको क्या है उनकी जो पोजीशन है वो देंगे। ठीक है, तो हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हमें जो बेस्ट होगा, जो स्किल्ड होगा, जो ट्रेंड होगा, जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, सिलेक्शन के बाद क्या होता है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, अब उसको हमने क्या है, सिलेक्शन बेस्ट जो है हमने चूज कर लिया है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के लिए या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो बेस्ट है वो हमने चूज कर लिया। उसके बाद क्या होगा, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी हम उसको ओरिएंट करवाएंगे वर्किंग एनवायरनमेंट से, यानी जैसे कोई टीचर को अपॉइंट किया है तो हम उसको ओरिएंट करवाते हैं कि ये आपकी क्लास है, आप इसके इंचार्ज हो, आपका ये सिलेबस है, आपका ये टॉपिक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग यानी तो उनके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज के लिए हम क्या करते हैं, जो पर्सनल उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट कौन सा स्टेप है, रिन्यूमरेशन। तो हमने पहले भी पढ़ा था रिन्यूमरेशन क्या होता है, यानी अप्रेजल, रिवॉर्ड करना। ठीक है, तो ये रिन्यूमरेशन क्या होता है, ये भी एक स्टाफिंग का स्टेप है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैसे बढ़ता है, जब हमें कोई अप्रेज करता है, जब हमारी कोई रिवॉर्ड देता है। ठीक है, तो अब जो रिवॉर्ड होता है वो क्या टू टाइप्स का हो सकता है, ठीक है, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, तो अब वो मनी भी हो सकती है और विदाउट मनी हो सकता है। ठीक है, मनी यानी जैसे इंक्रीमेंट लगा दिया। ठीक है, नॉन मॉनिटरी यानी गिफ्ट वगैरह कुछ हो। ठीक है, आगे कंपनसेशन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन।
करते हैं किसी चीज को ताकि हमें क्या है फीडबैक हो सके। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, यानी जो एम्प्लॉइज हैं उनकी परफॉर्मेंस का हमें पता लग सके। ठीक है, कि वो हमारे इंस्टीट्यूट के लिए पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं या नेगेटिव दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपका पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं तो हम क्या उनको प्रमोट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो क्या नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो हम क्या उनको वार्निंग भी दे सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, डिमोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। तो जैसे यहाँ पे हुआ कि जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में उसमें पॉजिटिव फीडबैक हो तो हम उनको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। अगर क्या है नेगेटिव फीडबैक हुआ तो हम क्या उसको डिमोट कर देंगे या ट्रांसफर कर देंगे। आगे समझ में? यस सर। तो ये हो गए सारे स्टेप, कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने उसको पोजीशन दी। ठीक है, तो वही सारे फंक्शन होंगे कि सिलेक्शन करना, रिक्रूट करना, ठीक है, उनको पोजीशन उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी डेवलपमेंट करना, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिवॉर्ड करना, टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना। ठीक है, तो ये सारी क्या है, रोल ऑफ नर्स मैनेजर है, जो आपने सारा कुछ डेफिनेशन से लेकर अब तक पढ़ा उसके अंदर ही वो क्या है, फंक्शन सारे इंक्लूड है। ठीक है, आगे समझ लें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पढ़ा है पहले कभी आपने पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम? तो नाम से कुछ पता लग रहा हो, पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी जो पेशेंट है उनको क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। ठीक है, ताकि हम उनको क्या कर सके, क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सके, और जो नंबर ऑफ नर्सेज है एक पेशेंट के लिए कितनी रिक्वायर्ड है उनको हम क्या है डिवाइड कर सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर चार कैटेगरीज आती है। कौन कौन सी आती है, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री और कैटेगरी फोर। इसके अंदर आते हैं जो मिनिमल केयर जिसको नीड होती है। इसके अंदर आते हैं मॉडरेट नर्सिंग केयर जिनको रिक्वायर्ड होती है। और इसके अंदर आर
पर डे, जिनको केयर की रिक्वायरमेंट होती है वो किसमें आते हैं, इंटेंसिव केयर के। ठीक है, आएगा समझ में? तो अब पर्पजेस क्या क्या हो सकते हैं, चलो बताओ पर्पजेस। पता लग गया ना डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है डेफिनेशन पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम की? ठीक है, तो पर्पजेस क्या क्या होंगे क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए, और जो नर्सिस आ रहे हैं वो रिक्वायर्ड, जो नर्सिंग केयर रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो नर्सिंग आ रहा है वो डिवाइड करने के लिए। ठीक है, और जो नंबर ऑफ नर्सिस है एक पेशेंट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है उनको क्लासिफाई करने के लिए, पेशेंट को क्लासिफाई करने के लिए, ताकि उनकी नीड जो है उनके अकॉर्डिंग हम उनको केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, आगे समझ में? क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस क्या होता है? क्या होता है विशाखा? अश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी केयर अश्योरेंस का मतलब कि हम पेशेंट को अश्योर कर रहे हैं कि हम हमारी तरफ से जो 100% क्वालिटी केयर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं।